दीपावली पूर्वर देशर चाषी को बड़ उपहार देखते केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतार एक कैबिनेट बैठक अनुषित होता बैठक में कृषक मानक नहीं नि एक बड़ निष्पत्ति बैठक पर केन्द्रमंत्री अनुराग ठाकुर कैबिनेट निष्पत्ति संपर्क में गणमाध्यम को सूचना देखते से कहते सरकार निष्पत्ति नहीं सारर मूल्य सारा देश में गोटे टा वृद्धि पावना यह सहित कृषक मानी सार सब्सीड जारी रेणु सार मूल्य कौन से प्रभाव पड़े ना केन्द्रमंत्री आहरी कहते केन्द्र सरकार सर्वदा कृषक मानक शुभेच्छा और सहानुभूति प्रदर्शन कर अंतर्जात बजार सारर मूल्य वृद्धि पाई कि आम चाषी आदो भार वृद्धि पावना अक्टोबर 1, 2023 आसंता वर्ष मार्च 31 पर्यंत कृषक मानू पूर्वपरि सब्सिड दिजिव रबि ऋतु 2023-24 फसफरस और पटासार उपर सब्सिड जगै दि जा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें एक बार फिर किसान हितैषी सरकार ने निर्णय लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई फर्टिलाइजर की कीमतों का प्रभाव हम भारत के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। पहले भी उस दिशा में मदद की गई और पूर्व में भी आपने देखा होगा जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ी, कमी भी आई, ना हमने खाद और यूरिया की कमी आने दी और ना उनके दामों में बढ़ोतरी होने दी। आज का निर्णय भी NBS पॉलिसी के अंतर्गत जो न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स हमारे फॉस्फेटिक और पोटैशिक फर्टिलाइजर्स के लिए है वो रबी के सीजन के लिए ये 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक रहेंगे। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।